मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये काउ मॉनिटरिंग सिस्टम है। जिस तरीके से हमारे लिए स्मार्ट वॉच बनी हुई है जिसमें हमारे स्टेप्स लेकर हमारी जो हार्ट बीट है और सारी चीज़ें मॉनिटर होती है, इसी तरह यह पशुओं के लिए खास तौर से बनाई गई है। और ये अभी जब ये लॉन्च हो जाएगी तो ये खास तौर से जो दुग्ध उत्पादक पशु हैं, जो किसान हैं, उनके लिए ये अवेलेबल होगी। इसकी कीमत तकरीबन 5,000 रखी गई है और इससे जो गाय हैं चाहे भैंस हैं उनकी हर एक्टिविटी को जांचा जा सकता है, उनके टेम्परेचर को, उनके स्टेप्स को, यहाँ तक कि उनकी बीमारियों को भी पकड़ा जा सकता है और फिर उसके बाद उनको हम इलाज दे सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ये अभी अंडर ट्रायल है लेकिन जल्द ही ये मिलने वाली है और जब मिल जाएगी तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी किसानों के लिए। सर, ये हमारा है काऊ मॉनिटरिंग सिस्टम सर, जो कि हम कंप्लीट सॉल्यूशंस देते हैं काऊ के हेल्थ के लिए। सर, इसमें क्या है सर कि हमें जो काऊ की जो रियल टाइम जो है कंसीव होने के जो चांसेस है सर, जो फर्टिलिटी की चांसेस है उसमें बढ़ जाती है। सर, क्या है कि हमें रियल टाइम में क्या करते हैं, हम AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। सर, दूसरी चीज़ क्या है सर, इसमें हम जो हम सप्लाई इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो काऊ का जो टेम्परेचर है सर वो डिटेक्ट करता है सर, ये लोकेशंस डिटेक्ट करता है। लोकेशंस में हम हमारे फॉर्म में जो है हमारे फॉर्म में कहाँ पे गाय हैं उस लोकेशन को पर्टिकुलर 10 किलोमीटर के रेडियस में ये आपको डिटेक्ट करती है सर कि कौन सी लोकेशंस में हमारी गायें जो है अभी हैं करेंटली। सर, तीसरी चीज़ क्या है सर कि जैसे काऊ की एक्टिविटीज़ को वॉच करती है सर, जैसे उसका स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स कितने चले हैं या फिर वो जब डल पोजीशन में होती है सर तो नंबर ऑफ स्टेप उसकी डिक्रीज कर जाती है सर, तो उससे क्या है कि हम जाकर के पर्टिकुलरली उसको हम काऊ को हम वो ऑन टाइम जो है ना वो हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं सर, इसके लिए हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं सर, डिजीज को आइडेंटिफाई करती है सर, ताकि कम से कम चांसेस हो सर कि गाय जो हमारा कम से कम बीमार हो सर। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ।